नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सरजी के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में। क्यों करेंगे? क्योंकि शीश महल की जांच पड़ताल विजिलेंस डिपार्टमेंट ने तो कर ली, इसकी रिपोर्ट भी मई में सुपुर्द कर दी गई थी एलजी को भी और होम मिनिस्ट्री को भी। अब उसमें एक नया डेवलपमेंट हो गया है। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब जाहिर है सीबीआई तो शीश महल में घुसेगी, पूछताछ करेगी, सारी चीज़ों को देखेगी, क्या क्या मोटे मोटे खर्चे हुए हैं, कैसे हुए हैं, नियमों के अनुसार हुए हैं, नियमों को ताक पर रख करके किए गए हैं, और जैसी सूचनाएं हैं उनसे तो बहुत स्पष्ट है कि 10 करोड़ का एक साथ ऑर्डर ना किया जाए, बिल ना बनवाए जाए, इस बात का हर बार ख्याल रखा गया। यहाँ तक के 9 करोड़ 99 लाख तक के बिल बनवाए गए, 10 करोड़ का एक साथ नहीं बनवाया, क्योंकि ऐसे में टेंडर भी छोड़ने पड़ते, एक कमेटी होती है, अप्रूवल कमेटी होती है, उसके पास भी जाना पड़ता, एलजी की स्वीकृति भी लेनी पड़ती, जो पेड़ कटवाए थे शीश महल बनवाने के लिए वो भी एक मसला है, जो वहाँ से कई अफसरों के घर डिमोलिश करवाए गए थे और उनको कहीं दूसरी जगह भेजा गया था वो भी एक मसला है। कुल मिलाकर के बात ये है कि एक के बाद एक ये जो कट्टर ईमानदार हैं ये किस तरीके से भ्रष्टाचार, घोटालों की, गड़बड़ियों की, अनियमितताओं की दलदल में फंसते जा रहे हैं और किस तरह ये तिहाड़ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। और ये ऐसा मसला है, इसमें तो लगता नहीं कि ये बचेंगे। तो सवाल सबसे बड़ा ये भी खड़ा होता है कि 2024 से पहले हो जाएगा या उसके बाद होगा। सीधे जुड़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष ठाकुर जी के साथ में और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम आपको, दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। आप तो सीबीआई भी कवर करते रहे हैं और केजरीवाल जी को तो बहुत ही नजदीक से देखते हैं, उनको बड़ा प्यार भी करते हैं आप, तो आप बताइए कि ये जो कांड होने वाला है ये 2024 के पहले हो जाएगा या 2024 के बाद हो सकता है? बिल्कुल सर, आपने प्राथमिक में शुरुआत में बताया कि शीश महल में अब घुसेगी सीबीआई, प्राथमिकी दर्ज हो गई क्योंकि जांच की जिम्मेदारी देश की सबसे बड़ी एजेंसी को मिल गई है और ये जांच की जिम्मेवारी सबसे बड़ी एजेंसी को तब मिली है जब विजिलेंस इंक्वायरी पूरी हो गई है और इनका पूरा खेल साफ हो गया है। आपने इंट्रोडक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिल ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया। ये आदमी खुद को कहता रहा है कि मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर रहा हूं, तो इसने अपने उस विभाग की धूर्तता का, शातिरता का पूरा पूरा ख्याल रखा। इसने हमेशा ये बताने की कोशिश की कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये एकमात्र ईमानदार अधिकारी था, बाकी सब के सब बेईमान और भ्रष्ट ही हुआ करते थे। तो इसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बेईमानी किस स्तर तक सीखी है ये बता दिया इस बात को लेकर के कि 10 करोड़ से एक पैसा भी ज्यादा का बिल होगा तो इसे सेंक्शन कराना पड़ेगा उपराज्यपाल से, इसीलिए 9 करोड़ 999 से नीचे का हर बिल रखा गया। और ये जो कट्टर ईमानदार था जिसने नौटंकी की थी वो वीडियो वायरल हुआ था जब इसे सरकारी निवास टीला जी वाला दिया गया था, तो इसने नौटंकी की थी कि नहीं नहीं मैं इसमें नहीं रहूंगा जी, मैं तो 2 बेडरूम वाले में रहूंगा, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया। इस देश की जनता को ऐसे ऐसे कालनेमी, ऐसे ऐसे ढोंगियों को समझने की बहुत जरूरत है कि ऐसे ढोंगी जो ऐसा कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा जी, मैं अपने वैगन आर से ही चलूंगा, उसका जो चड्डा है, जो सबसे बड़ा चेला है इसका और जिसके लिए माना जाता है कि सिसोदिया ओसोदिया जो है वो सब, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सिसोदिया ओसोदिया डमी थे, असली खिलाड़ी इसने चड्डा के माध्यम से सबसे करवाए। चड्डा इसका सबसे भरोसेमंद था और चड्डा जो
आपने देखा होगा कि रवीश कुमार के साथ एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है चड्डा का, जिसमें वो बड़ी धूर्तता से कह रहा है कि हाँ मैं दिल्ली का सबसे गरीब हूं, और बार बार कह रहा है ऐसा अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक। मतलब उसे पता है कि मेरे आका ने अखबारों को सेट कर लिया है और अखबारों ने मुझे सबसे गरीब बता दिया है, मैं सबसे गरीब हूं, और गौतम गंभीर सबसे मतलब अमीर है। एक क्रिकेटर जिसके बारे में पूरा देश जानता है, ऐसा नहीं कि उसका बाप जो है गौतम गंभीर का कोई बहुत बड़ा सेठ और साहूकार हुआ करता था, वो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा था, लंबे समय तक उसने क्रिकेट खेला और क्रिकेट में पैसे हैं। जब यदि जो आदमी लंबे समय इंटरनेशनल गेम खेले बीसीसीआई की तरफ से, तो पैसा उसके पास होगा, ये आम आदमी जानते। तो ऐसे पेश किया कि गौतम गंभीर सबसे ज्यादा पैसा वाला है और ये सबसे कंगला है। वो कंगला करोड़ों रुपए के स्वीट में ठहर करके अपनी शादी करता है, तो ये ढोंग एक और सामने आ गया इसका। अब ये कट्टर ईमानदार का बाग गजब का खेल है सर, कि ये एक शीश महल तैयार करवाता है। मतलब इसे जिस आदमी ने कहा कि वो 2 बेडरूम में रह सकता है, और इस सिर्फ अपने लिए नहीं कहा, इसने कहा कि किसी को भी, भारत के प्रधानमंत्री को भी क्यों जरूरी है इतना मांगे बंगले में रहने का, ऐसे सुरक्षा की जरूरत क्या है, ये सुरक्षा आम आदमी के लिए है। अब देखिए इसके चड्डा चड्डी के लिए जो है वो कैसी सुरक्षा है, पूरा देश देख रहा है। ये तमाम ढोंग, दरअसल भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, केजरीवाल जो कर रहे हैं वो तो भ्रष्टाचार मतलब कांग्रेस के दौर में ये सामान्य रहा है। असल चीज इसका ये है कि ऐसे अनैतिक व्यक्ति का नैतिकता का आवरण ओढ़ करके इस देश की जनता के साथ छल करना, तो ये तय सी बात है कि इस व्यक्ति का जेल जाना एकदम तय है, क्योंकि सीबीआई विजिलेंस इंक्वायरी के बाद एंट्री मार रही है और सीबीआई उपराज्यपाल से अनुमति लेकर के एंट्री कर रही है। इसका मतलब ये है कि सीबीआई के पास पूरा पुख्ता सबूत है और इसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। मैं तो, मेरा तो ये भी मानना है कि कमाल का ढोंगी ये है कि ये जेल जाने से पहले, ये जो पंजाब में आज एक एकाएक देख रहे होंगे सर कि पंजाब में कांग्रेस के एक एमएलए को पकड़ लिया गया है, वो मेरे ख्याल से स्मगल किसी नशे के धंधे को लेकर के, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। अब वो एमएलए का पकड़ना मुझे सामान्य नहीं लग रहा, ये ढोंगी ने जानबूझकर ये किया है कि सब मिले हुए हैं जी, मैंने कांग्रेस के नेता को पकड़ा इसीलिए मुझे फंसाया जा रहा है जी। मतलब कमाल की बात है कि तुम एनडी अलायंस बना रहे हो और आपस में जूतम पैजार कर रहे हो। तो ये इतना चालाक और धूर्त है कि मुझे साफ लग रहा है कि पंजाब में जो एकाएक जो कल से नौटंकी शुरू हुआ है कि भगवंत मान ने कांग्रेस के एमएलए को पकड़ लिया है, और अभी मुझे पता चला कि कई पूरे एमएलए जो कांग्रेस के हैं, कई मंत्री जो हैं, उसको जेल भिजवा दिया है इसने। तो जानबूझ करके पंगा कांग्रेस से ये ले रहा है ताकि पब्लिक में ये मैसेज जाए कि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं जी, हम तो इस कदर भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं कि हम कांग्रेस के नेताओं को नहीं छोड़ रहे हैं, और हम चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं इसी लोग हमें परेशान कर रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस वाले मिले हुए हैं जी, हम तो बहुत पहले से कहते थे जी। तो इसीलिए अपना जो तिहार जेल जाना 24 से पहले इसका तय हो चुका है, तो इसीलिए इसको सब कुछ जो है दिन में तारे दिख रहे हैं सर। ये सुखपाल खेरा है जिसको गिरफ्तार कराया गया है, 2015 का कोई पुराना केस है जिसको लगा करके इन्होंने कांग्रेस के एमएलए को गिरफ्तार कराया, और जहां तक मेरी स्मृति है ये आम आदमी पार्टी में भी रहा है, तो ये इनके तौर तरीके हैं। लेकिन बिल्कुल साफ लग रहा है कि बदले के भाव से कैसे कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ सुखपाल खेरा ईमानदार होगा, लेकिन चूंकि ये इतना धूर्त और चालाक है कि कांग्रेस के एमएलए को, कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को यूं ही नहीं पकड़ रहा है, ताकि ये जब जेल जाए तो कह सके कि विक्टिम कार्ड खेल सके कि हमें फंसाया गया है इसलिए क्योंकि हमने कांग्रेस वालों को, अब वहां बीजेपी वालों को भी पकड़ नहीं सकते क्योंकि बीजेपी को सत्ता दूर दूर तक नहीं रही है, यदि वो सहयोगी सरकार भी रही है दूसरे पार्टी की तो बीजेपी की कोई भूमिका पंजाब में बहुत बड़ी रही नहीं है, कोई हैसियत बहुत बड़ी रही नहीं है कि उन्हें पकड़ेंगे, इसीलिए जानबूझकर ये वहां एक ऑरा क्रिएट किया जा रहा है। दिल्ली में बहुत कुछ कर नहीं सकते तो इसीलिए, क्योंकि दिल्ली में तो लंबे समय से इनकी सरकार है, इसीलिए दिल्ली में किसी कांग्रेस को जब पकड़ना था तो तब पकड़ते, यदि भ्रष्टाचार के इतने खिलाफत थे ये तो दिल्ली में जब सरकार केजरीवाल की बनी तो अब तक कितने कांग्रेसियों को उन्होंने जेल, बहुत कहते थे शीला दीक्षित को मैं जेल भेज दूंगा, तो शीला दीक्षित के बेटे को अब तक क्यों नहीं भेजा दिल्ली में, आज तक शीला दीक्षित सरकार के कितने कम विधायक एमएलए रहे मंत्री रहे उनको आज तक क्यों नहीं जेल भेजा, इतना भ्रष्टाचार यदि दिल्ली में था और सबसे ज्यादा लड़ाई भ्रष्टाचार की केजरीवाल ने दिल्ली में की, तो दिल्ली में आज तक किसी कांग्रेसी नेता की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इस साफ संकेत है कि एक बहुत बड़े ड्रामे की भूमिका केजरीवाल तैयार कर रहे हैं।
मनीष जी, सबसे आश्चर्यजनक बात ये नहीं है कि जिस समय पूरा देश और पूरी दुनिया कोविड से कराह रही थी, अकेले दिल्ली में ही लाखों लोग जो हैं वो अस्पतालों को, आईसीयू को तलाश कर रहे थे, ऑक्सीजन का संकट ये चिल्ला रहे थे, खड़ा कर रहे थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस दो दो तीन तीन होती थी, फला अस्पताल में तो 4 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा रहा है, दिल्ली का गला घोट रहा है, उस अस्पताल में तो 7 घंटे की ही ऑक्सीजन बची हुई है। उस समय ये शीश महल बनवा रहे थे, उस समय ये नई आबकारी नीति बना करके उसमें 2500 करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे थे। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है कि एक ऐसा संकट, एक ऐसी महामारी, और उस समय आप शीश महल बनवा रहे थे और नई आबकारी नीति में घोटाला कर रहे थे। बिल्कुल सर, और जब मतलब त्राहिमाम मचा हुआ था, जब इस अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, और कमाल की बात है कि इसके उस शीश महल में घुसने की एंट्री किसी की नहीं थी। जब तक शीला दीक्षित यहाँ थी, हम लोग जब बतौर रिपोर्टर अक्सर वहां जाना होता था चीफ मिनिस्टर के निवास में, कमाल की बात ये देखिए कि कोई तस्वीर नहीं आ पाई। और जब नवभारत के कैमरे से, मतलब नवभारत ने रिपोर्ट की, तब भी कोई कैमरे का सबूत नहीं था, कोई ऐसा कुछ नहीं सामने आया, बस नवभारत को जो टाइम्स नाम का हिंदी चैनल है उसे कुछ साक्ष्य कहीं से उपलब्ध करा दिए गए। मतलब कोई ऐसा वीडियो कि वहां निर्माण चल रहा है ऐसा कभी नहीं आया सर। तो ये कमाल की बात है कि देखिए कि जो व्यक्ति मीडिया में इतना फंडिंग करता है, और हम और आप नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इससे कहा कि तुम कॉरिडोर बनाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन मीडिया को इतना पैसा एड में देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, इसके सबूत दो कि तुम क्यों नहीं दे पाए हो, वरना तुम्हारा जो एड का जो वो है वो हम बंद करवा देंगे। ये छोटी बात नहीं है कि इतने लंबे समय कोरोना काल में ये सब कुछ, जब त्राहिमाम मचा हुआ था, इसके घर में निर्माण का कार्य चल रहा था, ठेका जो है अपने मुताबिक, और इसकी पत्नी जो है ऐसा कर रही थी कि जैसे आप जब 2 BHK 3 BHK खरीद रहे हो, तो मतलब महिलाएं जो जाती है तय करने की पर्दा किस कलर का होगा, इस सरकारी कोठी में इनकी पत्नी जाती थी तय करने के लिए, वो भी एक अधिकारी रही आई, मतलब रिवेन्यू सर्विस के अधिकारी रही है वो। तो सब कुछ साक्ष्य सामने आया कि बेईमानी किस स्तर तक था, किस स्तर तक। इनके पिताजी के बारे में भी सामने आ चुका हुआ है कई साक्ष्य हैं कि अब इनके पिताजी इनकी बुआ की संपत्ति कैसे ठग जो है वो ठगे हुए हैं। तो ये सब, ये आवरण ओढ़े हुए ऐसे लोग हैं, ये बड़ा कमाल का है कि LNJP हॉस्पिटल में स्वयं उस समय गृह मंत्री गए थे, तब जाके स्थिति ठीक हुई थी जिस समय के बात आप कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से तबाही वहां ला दी थी और ढोंग रच रहे थे कि सिलेंडर खत्म हो चुका हुआ है। इस स्तर तक चले गए कि जो मजदूर थे, जो प्रवासी मजदूर, उन सबको बड़े षड्यंत्र के साथ उसी दौर में भगवाया जा रहा था कि जाओ गाजी, जो आनंद बिहार के बस स्टैंड से मिल रहा है, बिहार के लिए बसें मिल रही है, जबकि ऐसी कोई बसें नहीं हुआ करती थी। और उसके बाद यूपी में पूरी सड़कों पर जो है बिहार के मजदूर त्राहिमाम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इतना संवेदनशील मामला है ये, इस इतने नीच प्रवृत्ति आदमी के लिए तो मुझे लगता है कुछ कहना भी बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो सिसोदिया हो, जिसके लिए कट्टर ईमानदार कहता था खुद को, जिसने न्यूयॉर्क टाइम्स में अखबार की प्रति ऐसे ले ले करके इसने कैमरे पे दिखाया कि मनीष सिसोदिया को न्यूयॉर्क टाइम्स वहां तो छपने के लिए लोगों को बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिसने साबित किया कि कितने पैसे दे करके मनीष सिसोदिया को इसने कट्टर ईमानदार बताया था। यदि इतना कट्टर ईमानदार था मनीष सिसोदिया, तो अब तक उसे जमानत क्यों नहीं मिली? इतना झूठ अदालत में बोला कि मेरी पत्नी बीमार है, झूठ। सत्येंद्र जैन तो 1.5 साल से जेल में है, अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। जो जमानत है वो अभिषेक मनु सिंघवी के आशीर्वाद से उसे अस्पताल के कारण मिली, उसे जमानत नहीं माना जाता सर, वो जमानत नहीं है। तुम बीमार हो, 35-35 किलो तुमने ढोंग किया कि तुम्हारा वेट कम गया, कौन सी इंजेक्शन सत्येंद्र जैन को केजरीवाल ने दिलवाया कि 35 किलो उसका वजन गिर गया, और उसके बाद वो मतलब अस्पताल में है। जमानत का मतलब होता है कि आप खुल करके घूम सकें, वो अस्पताल में है, और पूरा ढोंग वो भी दिल्ली की सरकारी अस्पताल में। CBI सुप्रीम कोर्ट से बार बार कह रही है कि इसकी जांच सफदरजंग अस्पताल में करवाइए, इसकी जांच एम्स में करवाइए। मुझे लगता है कि आदमी बीमार उमार नहीं है, इसे बीमार बनाया गया है। अब मनीष सिसोदिया अब इसी ढंग से बीमारी का बहाना अपनी तो बना चुकी है, हस्तपुष्ट है, अपनी तो बना नहीं सकता, तो बीवी की बहाने की बनाया और फर्जी दस्तावेज हाईकोर्ट में दिए, उसमें भी फंसा, तो फिर याचिका वापस ले ली कि नहीं नहीं जी हमारी पत्नी तो ठीक है। तो इस देश में यदि दूसरा आम आदमी होता तो फंस जाता कि तुमने
हलफनामा गलत देकर के बीवी के बीमारी का हलफनामा गलत दिया। अब कल्पना कीजिए कि ये किस किस की बीमारी का देगा इलाज, ये किसकी बीमारी का इलाज से बचेगा, क्योंकि इसके चेले दोनों महाचेले जो किस चीज का अहंकार बढ़ता था कि दिल्ली की शिक्षा नीति और दिल्ली की स्वास्थ्य नीति, एक शिक्षा मंत्री और एक स्वास्थ्य मंत्री दोनों जेल में है, और जेल में नहीं है, जमानत नहीं मिल रही इन लोगों की, जबकि कानून अपना कहता है कि जमानत एक्यूज्ड का अधिकार है, एक्सेप्शन में आपको जेल होना चाहिए। तो समझ जाइए कि जमानत यदि अदालतें सुप्रीम कोर्ट तक इसके दोनों मंत्रियों को नहीं दे रही है। और महत्वपूर्ण ये सर, ये दोनों मंत्री तो डमी है, ये इसने आज तक कोई मंत्रालय नहीं लिया हुआ है, और हर किसी को पता है कि केजरीवाल के दोनों मंत्री दरअसल केजरीवाल के इशारे पे काम करते थे। तो मामला शीश महल तक ही नहीं जाएगा सर, मामला जब शीश महल में इसकी गिरफ्तारी होगी तो वो चीजें भी खुलेगी कि क्या ये जो पूरा शराब माफिया गिरी का धंधा एक शिक्षा मंत्री से करवाया जा रहा था, इसके पीछे का, और जितने उसके बाद भी जिन जिन लोगों को ये मंत्रालय दे रहा है, चाहे वो अतिशी को दे रहा है, कई बार ये माना जा रहा है कि जो दिल्ली के जो शिक्षा अधिकारी मेरे मित्र हैं सौभाग्यवश, उन्होंने मुझे बहुत पहले कहा था कि मनीष जिस दिन शिक्षा विभाग का घोटाला सीबीआई की नजर में आएगा असली खेल वहां होगा, क्योंकि सबसे बड़ा घोटाला शिक्षा में किया गया है, तो वो चीजें सामने आएगी। इसीलिए केजरीवाल का ढोंग का भी सिर्फ शीश महल तो छोटा, इस सब इसका चरित्र हनन करने के लिए, असली खेल पता चलेगा कि शिक्षा के नाम पर इसने क्या कुछ लूट मचाया है। तो असली जेल ये सब तो डमी चेहरे हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, असली खेल अभी केजरीवाल का होना है, और मुझे लगता है सीबीआई ने इसके लिए पहला कदम सर बढ़ा लिया है। मनीष जी, जब सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया कि साहब जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी सेवा शर्तें ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला देखेंगी, तो सबसे पहले इनके निशाने पर कौन सा डिपार्टमेंट आया? सतर्कता विभाग। और सतर्कता विभाग इसलिए आया क्योंकि जितने भी गड़बड़ घोटाले हैं, भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं हैं, जितनी भी फाइलें खुली हुई हैं इनके खिलाफ, इनके अलग अलग मंत्रालयों के खिलाफ, वो सब सतर्कता विभाग की निगरानी में थे। तो सतर्कता विभाग में रात के 2:30 बजे जाकर के वो तो सीसीटीवी फुटेज ने इनका भंडा फोड़ दिया, वरना शायद किसी को पता भी नहीं चलता। रात को 2:30 बजे जाकर के जीरोक्स कॉपी करा रहे हैं फाइलों की, और सबसे पहले सतर्कता विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी को हटाने के आदेश जारी कर दिए, जबकि बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में बताया कि तब तक तो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, उससे पहले ही इन्होंने सबसे पहले सतर्कता विभाग में घुसपैठ की और वहां से जो भ्रष्टाचार की फाइलें थी उनको खुर्द बुर्द करने की कोशिश की। तो ये अगेन एक और इनके खिलाफ मामला खुल गया। बिल्कुल, और इस बात को अब सुप्रीम कोर्ट इसलिए बेहतर समझ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसने बड़ा ज्ञान दिया था कि भाई चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का, ये सब कुछ साफ होने पर कि दिल्ली एक राज्य नहीं है, अर्ध राज्य भी दिल्ली को नहीं माना जाता, नेशनल कैपिटल है, यहाँ हमारा गृह मंत्रालय है, यहाँ हमारा सेना भवन है, यहाँ हमारा संसद है, राष्ट्रपति भवन है, इतना सेंसिटिव। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया भर के देशों का जो है वो एम्बेसडर यहाँ रहते हैं, उच्चायोग यहाँ पे है, ऐसे किसी भी देश में जो नेशनल कैपिटल है कोई स्टेट नहीं होता। और दिल्ली को तो सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि उस समय कई लोगों ने जो किताब लिखी है उसमें ये इस लिहाज से कि उस समय का जो कांग्रेस, आप तो बेहतर जानते हैं इसके लिए, उस समय का जो कांग्रेस के नेता थे उनको कहीं ना कहीं सेट करने के लिए दिल्ली को एक राज्य बनाया गया कि उन्हें विधानसभा, उनकी विधानसभा हो और वो अपने आप को एक फील कर सके कि उनके पास सत्ता है। अब महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया, उसी बीच सरकार अध्यादेश ले आई और किनका चल नहीं पाया, और नोटिफिकेशन जो आप याद दिला रहे हैं, इसने तुरंत तरातर ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा शुरू कर दिया। हम और आप पत्रकार के रूप में जानते हैं सर ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा कितना कमाऊ है। मैंने तो दिल्ली पुलिस में क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान ये भी देखा कि कई हमारे पत्रकार साथी थे जो कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए में भी कमाई करते थे, वो बैठते थे तो डीसीपी साहब ऐसे बोल रहे थे, आज ज्वाइंट कमिश्नर साहब के साथ बैठा था वो ऐसे कर रहे थे, तो बेचारा सिपाही है दारोगा लेवल का, सर मेरी बात भी आगे पहुंचाई, मैं ये थाना जो है ठीक नहीं है सर, फलाना थाने में, तो इस तरह का धंधा भी चलता था। तो
तो ये धंधा राडिया टेप की दलाली में सामने आ गया कि सिपाही के स्तर के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला नहीं था। राडिया टेप की दलाली में यह भी सामने आया कि जेम्स राय के चैनल में किस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार के मंत्रिमंडल तय होते थे कि किसको कहां। तो ट्रांसफर पोस्टिंग सबसे बड़ा कमाऊ धंधा है हर राज्य के लिए, इसीलिए हम लोग लिखते थे अखबार में ये बड़ा कमाऊ क्षेत्र को, हम लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे कि फला जगह जो है वो मलाईदार पोस्ट, हम इस्तेमाल करते थे अखबारों में कि मलाईदार पोस्ट। अब मलाईदार एक अधिकारी है, वो कहीं का डीएम है, तो हर शहर का डीएम बराबर है, तो क्यों हम लिखते हैं कि मलाईदार पोस्ट मिला है इसको, मतलब फलाना जिले का डीएम है तो वहां कमाई ज्यादा है, वो मलाईदार पोस्ट हो गया। तो इसने जो मलाईदार अपने लोगों को देना शुरू किया, कई पत्रकार को सेट किए गए कि बिना मतलब कोई अधिकार के अधिकार दिए गए उन सबको। अब इस मामले में इंटरेस्टिंग देखिए कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण चीज सामने आई कि अभिषेक मनु सिंघवी गए कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो मामला है ना, वो आपने लटकाया हुआ है, अभी तक संविधान पी चुकी, अध्यादेश जारी हुआ, अध्यादेश के बाद ये संसद में कानून भी सरकार ने बना दिया, तो अध्यादेश वाली जो याचिका थी वो खत्म हो गई पहले ही। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने इनका दोबारा से याचिका दलवाया और कहा कि अब तो कानून बन गया है तो संविधानिक पीठ गठित होना चाहिए। सरकार ने कहा कि पहले हम 370 पे सुन लेते हैं, उसके बाद हम गठित करेंगे। अब 370 पे भी सुन लिया, सुप्रीम कोर्ट में कल गए तो पूरा धक्के मार के उनको भगाया गया कि जी अभी तुम्हें हम जल्दबाजी में नहीं सुनेंगे। भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 370 सुनने के बाद हम इसको सुनेंगे, 370 का खिताब खत्म हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट इनको भाव क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी सब पता चल गया खेल क्या है। और मुझे तो अब खेल इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी के वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के सबसे कद्दावर वकील अब हैं कपिल सिब्बल के पास, और अभिषेक मनु सिंघवी इनके वकील हैं। अभिषेक मनु सिंघवी के इतने पावर हैं सर कि वो 2 मिनट में पवन खेरा को जमानत दिलवा देते हैं, पवन खेरा को द्वारका, दिल्ली के द्वारका की पुलिस गिरफ्तार करती है, जब तक वो थाने से कोर्ट ले जाएंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के सामने जाकर के अभिषेक मनु सिंघवी पवन खेरा को वापस ले आते हैं। इतनी ताकत सुप्रीम कोर्ट में पवन खेरा के अभिषेक मनु सिंघवी की है। वो अभिषेक मनु सिंघवी अब तक सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं दिलवा पाया, अब तक मनीष सिसोदिया को नहीं दिलवा पाया, केजरी को कोई राहत नहीं दिलवा पाया। इसका मतलब यह है कि माल इनसे तो खींचा जा रहा है, इन्हें कुछ इनका कुछ सेटिंग हो नहीं पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहना कि अभी हमारे पास समय नहीं, हमें बहुत संवैधानिक पीठ है, 7-7 जज हमारे फलाना में बिजी हैं, 5 जज मेरे फलाना बेंच में बिजी हैं, इतने सारे संवैधानिक पीठ हैं, अभी तुम्हें नहीं सुनेंगे, इसका मतलब है कि काल मंडरा रहा है केजरीवाल के ऊपर, अब जेल जाना तय है, इसीलिए पूरा ढोंग हो रहा है। और समझ से बिल्कुल पड़े है कि जिस कांग्रेस के साथ दिल्ली और पंजाब में इसकी लड़ाई है, उसी कांग्रेस का वकील अभिषेक मनु सिंह भी कोई अपना जीवन दाता बनाए हुए है। इसीलिए बिल्कुल कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है कि खेल हो क्या रहा है। ये बताइए, एक समय था जब ये शरद पवार को, लालू यादव को, यहां तक के प्रणव मुखर्जी को, कांग्रेस के बहुत सारे मंत्रियों को ये कहते थे कि जब तक ये लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। ये कहते थे कि ये जो इटली की एक अदालत ने फैसला सुनाया है एक हेलीकॉप्टर वाले मामले में, उसमें सोनिया गांधी का भी नाम है, ये सोनिया गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके पूछताछ करें, सारी सच्चाई निकल के बाहर आ जाएगी। और आज मैं देख रहा हूं कि पटना में भी उनके साथ, जिनके बारे में ये बात करते थे, उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, बेंगलुरु में भी खिंचवा रहे हैं, मुंबई में भी उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। ये इतना बड़ा कायाकल्प तो आज तक हिंदुस्तान में किसी पॉलिटिशियन का हमने नहीं देखा। बिल्कुल सर, और इसीलिए संजय सिंह का वो वीडियो लगातार वायरल हो रही है जिसमें वो फलाना का बेटवा और ये भी साबित कर रहे हैं कि ये पूरा वंशवाद है, ये भी भ्रष्टाचार का जो है केजरीवाल के वो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि शरद पवार को इसने किस कदर क्या क्या कहा। मुझे समझ में आ रहा है ये लोग एक दूसरे का सामना कैसे करते होंगे, ये कहां से इन लोगों के पास वो चरित्र आता होगा कि एक दूसरे का आंख में आंख मिला पाते होंगे। अब ये पूरा खेल इनको लगा कि ये जो एनडी गठबंधन है, एनडी अलायंस है, उसके माध्यम से ये अपने आप को बचा पाएंगे, सब मिलाकर के इनको बचा लेगा। केजरीवाल निश्चित रूप से इन अनपढ़ों के भीड़ में पढ़ा लिखा व्यक्ति तो है, उसे वो सबसे बड़ा शातिर खिलाड़ी भी राजनीति का है, उसे अब सब समझ में आ गया है
कि ये सब चीज भी अब कुछ नहीं होने वाला है। जो मूड मोदी का है और जिस तरह से वो 24 आवर पॉलिटिक्स करते हैं वो दूसरे पॉलिटिशियनों से बिल्कुल अलग है। हम और आप अक्सर देखते सर मायावती और अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव एक दूसरे की गाली देते थे। मायावती का पूरा जो शीश महल है उन्होंने जो नोएडा में जो पार्क बनाया पत्थर का जो मूर्ति, मुलायम सिंह यादव तन के कहते थे कि गिरवा दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज तक न मुलायम सिंह ने मायावती का कोई अहित किया न मायावती ने मुलायम सिंह का किया। बिहार में लालू यादव जगन्नाथ मिश्रा को इस कदर गालियां देते थे अपमानित करते थे रत्ती भर टॉर्चर जगन्नाथ मिश्र को कभी लालू यादव ने नहीं किया। इंडियन पॉलिटिक्स में ये पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए सब करते हैं। और आज भी देखिए कि मैंने एक शो अपने चैनल पे किया कि कैसे बिहार में जो नौटंकी चल रहा है दो लालू यादव के दो चेलों के बीच, एक मनोज झा है जाति से ब्राह्मण है और दूसरे जो है वो आनंद मोहन जो अभी सजायाफ्ता अपराधी है उसको सजा माफी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। वो कहता है जीव निकाल लूंगा, किसके बारे में कह रहा सर, अपनी पार्टी के राज्यसभा एमपी के बारे में। मनोज झा की स्थिति ये है कि मनोज झा लालू के बच्चों के लिए चाणक्य की भूमिका में है। जिस पार्टी के पास राज्यसभा भेजने की हैसियत नहीं है, कपिल सिब्बल को भेज नहीं पाया उसमें मनोज झा को भेजा है, तो मनोज झा की कितनी बड़ी हैसियत है आरजेडी में ये समझ है कि उनका दिमाग है, लालू यादव का दिमाग है, वो पंडित जी जो है उन वही चला रहे हैं एक तरह से आरजेडी। लेकिन उसके लिए आनंद मोहन कह रहा है कि जुवान खींच लूंगा मैं, किसको कह रहा, मनोज झा को। तो ये कैसी पॉलिटिक्स होती है कि वहां इस बात को समझना पड़ेगा कि वहां आरजेडी के ये दो नेता, अब वो कौन से, आनंद मोहन सिंह राजपूत हैं वो। अब बिहार में सर सामान्यतः ठाकुर जो हैं वो राजपूतों की कास्ट नेम नहीं होते और बिहारी तो फिल्मों को देख करके जाना है कि ठाकुर मतलब राजपूत होते हैं, हमारे यहाँ राजपूत को बाबू साहब बोला जाता है। तो जब आनंद उसने संसद में ठाकुर ठाकुर बोला तो आनंद मोहन को बुरा क्यों लग गया, इसका मतलब प्लांटेड है पॉलिटिक्स में कि कैसे बिहार में जाति युद्ध कराना है और लालू विरोधी दो जातियां जो है जिसके लिए लालू ने बुरा बाल कहा था उनको लड़ाना है। मैं ये बात इसलिए यहां जोड़ रहा हूं इस संदर्भ में कि ये पॉलिटिक्स ऐसी रही है कि अब तक इन्हें लगा है कि एक दूसरे को गाली देकर के हम सत्ता तो हासिल कर लेंगे लेकिन एक दूसरे का अहित नहीं करेंगे। केजरीवाल को यह लगा कि ये सब चीजें कुछ होगी नहीं, गाली गलौज चलता है, हम लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। ये केजरीवाल की धूर्तता इसलिए मैं याद कर रहा हूं कि इसने कांग्रेस की गाली दे दे करके कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाया। दिल्ली में एक भी कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की इसने, इतने दिनों से 2013 से लगातार सत्ता में है, कुछ दिनों को छोड़ करके जो राष्ट्रपति शासन लागू रहा 2013 से 2023 हो गया सर, 10 साल में कांग्रेस के किसी नेता पर केजरी ने कोई कार्रवाई की? आज पंजाब में क्यों कर रहा है? क्योंकि इसे भी लालू यादव मुलायम सिंह यादव मायावती जैसे बेईमान नेताओं के स्टाइल में बेईमानी करनी थी। इसे लगा नरेंद्र मोदी भी वही करेंगे, कुछ नहीं गीदर भव की होगा, किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा। जब सब जेल जाने शुरू हो गए और जेल जाने से जब बहुत बाद, मैं तो कहता हूं जेल नेताओं का जेल से कोई मायने नहीं होता, जब उन सबके आंख से पैसे निकाले जाने लगे तब केजरी को लग गया कि ये आदमी दूसरे नेताओं से अलग है और हमारी भी ठोकाई कुटाई होगी, मेरा सत्येंद्र जैन गया जेल, मेरा मनीष सिसोदिया गया जेल, मेरी भी बारी होगी। तो इसीलिए अब ये छटपटाहट है, ये बेचैनी इसीलिए है कि दिख रहा है कि 2024 से पहले ये ईमानदारी का आवरण नोच करके फेंक दिया जाएगा इनका और ये भी अपने चेले के पास सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के पास तिहाड़ में जो है वो अपना अंग प्रत्यंग में मालिश करवाएंगे जैसे सत्येंद्र जैन को करवाते देखा गया था। क्योंकि तिहाड़ तो अभी तक इन्हीं की बपौती है, जब तक सरकार दिल्ली में है तब तक मालिश की व्यवस्था तो तिहाड़ में हो ही जाएगी सर। पर मनीष जी मैं तो एक अजीबोगरीब व्यक्ति इसके भीतर देखता हूँ, वो इसलिए कि जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए तो इन्होंने कहा कि ये तो कट्टर ईमानदार हैं, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जो है विश्व स्तरीय बनाए हैं इसलिए मोदी जी हजम नहीं कर पा रहे हैं। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए तो इन्होंने कहा कि ये तो कट्टर ईमानदार आदमी है, हमने पूरा केस खुद देखा है, कुछ नहीं मिला सीबीआई को, इसके बैंक में कुछ नहीं मिला, इसके घर से कुछ नहीं मिला, इसके गांव से कुछ नहीं मिला, इसको तो गलत फंसाया गया है। समय के साथ साथ ना तो अब ये सत्येंद्र जैन की चर्चा करते ना ये मनीष सिसोदिया की चर्चा करते, उनकी जगह ये सौरभ भारद्वाज को आतिशी मार लेना को ले आए, अब वो मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं और इतना मस्त है ये बंदा, पंजाब सरकार का हवाई जहाज मंगा लेता है, पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री को बुला लेता है कि चलो आज मुंबई चल रहे हैं, चलो आज कलकत्ता चल रहे हैं, चलो आज
लखनऊ चल रहे हैं, और अभी उदयपुर में भी वो सीन आपने देख लिया होगा जब राघव चड्ढा के शादी समारोह में ये ठुमके लगा रहे थे और पंजाब के मुख्यमंत्री भंगड़ा पा रहे थे। तो इनको तो जरा सा भी गम नहीं है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में पड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो आज की बात है नहीं, इसे यूज और थ्रो में इसे पता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जब इसने अन्ना का इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया, जब इसने आंदोलन में देखिए किस किस की भूमिका थी, अन्ना हजारे थे, माल लगा हुआ था अभी बाप बेटे का, दोनों जो वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, माल उनका लगा हुआ था, पूरा जो है नौटंकी चल रहा था कुमार विश्वास के माध्यम से, छोड़ा किसे, दोनों शांति भूषण प्रशांत भूषण को धक्के मार के निकाल दिया, किसी ने कुछ नहीं कर, कोई कुछ नहीं कर पाए। कुमार विश्वास की क्या गत की ये हम सब देख रहे हैं। आंदोलन में पूरा चेहरा कुमार विश्वास हुआ करते थे। वैसे कुमार विश्वास ने आंदोलन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा माल बाद में उस आंदोलन से वो चेहरा बन गए। मैं निसंकोच कह सकता हूं कि मैं कुमार विश्वास को अन्ना आंदोलन से पहले नहीं जानता था कि कौन कुमार विश्वास है। उसके बाद मैं जाना कि हाँ वो जो उनका जो लोकप्रिय एक गीत है वो उन्हीं का है, ये बाद में जान पाया। लेकिन उसके बाद देखिए YouTube से लेकर के तमाम मंचों से आज उसी अन्ना आंदोलन के चेहरा होने के कारण कुमार विश्वास अरबपति हो चुके हुए हैं। तो इसीलिए कोई ऐसा नहीं, लेकिन उनको से बहुत घाट, लेकिन सत्ता की जो का जो गुरूढ़ होता है उसका दर्द कई बार कुमार विश्वास का दिख जाता है कि उनको नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए कुमार विश्वास। वैसा कौन सा एक घाघ है कि अन्ना ने आज तक इसके लिए मुंह नहीं खोली। शांति भूषण का बेटा प्रशांत भूषण पता नहीं क्या क्या करते हैं, आज तक केजरी के बारे में कुछ नहीं बोल पाए। तो पता नहीं किस किस का क्या याद में रखे हुए है कि सरकारी गवाह अभी तक मनीष सिसोदिया को नहीं बनाया जा सका। तो कई बार लगता था कि मनीष सिसोदिया को सरकारी गवाह बना लिया जाएगा, केजरी को पकड़ लिया जाएगा। तो ये मनीष सिसोदिया स्वतंत्र जैन का आज ही गत नहीं किया, इससे पहले भी जिसके मंत्री कई जेल गए उनको भी पहले ही भूल गया, कुछ भी नहीं किया, उन सबको भी साइडलाइन कर दिया। जब अन्ना के लिए ऐसा कर दिया, जब दोनों शांति भूषण और प्रशांत भूषण पिता पुत्र के साथ ऐसा कर दिया, अब तो बेचारे शांति भूषण जी स्वर्ग सिधार गए हैं। तो ये लगातार इसे लगता है कि हम ऐसे यूज एंड थ्रो करके हमारे कारण सरकार आई है तो किसी को भी मौज हम दिलाएंगे। इसीलिए इसने मौज किस किस को दिलाया जिसकी कोई भूमिका इस आंदोलन में नहीं थी। मनीष सिसोदिया सिर्फ एक डमी चेहरा थे, चेहरा जो हमेशा जो शांति भूषण प्रशांत भूषण कुमार विश्वास आनंद कुमार जी थे, उसके बाद किरण बेदी थी। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जो पत्रकारिता में था तो बहुत हद तक हम लोग पूरा जो है नग्न स्वरूप मनीष सिसोदिया को जानते कितना काबिल थे और क्या थे, उस व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाकर किसने बड़ा चेहरा बना दिया। इसने ऐसे ऐसे व्यक्ति को चुना कि उस सबको लगता है कि केजरीवाल की दया पर हम यहां थे और केजरीवाल ने हमें बहुत दे दिया, हमें बहुत मौज करा दिया, तो यदि हमें अब कुछ दिन के लिए तिहाड़ जेल भी हो गया तो क्या हो जाएगा। इसीलिए इसे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए देखिए किस किस को ले आवा, तीसी मर लेना इस राज्य की, दिल्ली राज्य की डिप्टी सीएम के पद पे तमाम जिम्मेदारी एक तरह से चीफ मिनिस्टर अतिशी मार लेना है। अब वो कौन है, तो अभी कल कोई भी जेल भी जाएगी तो उसे लगता है कि क्या फर्क पड़ जाएगा, इतना माल लपेट लिया, इतना की सुख सुविधाएं हो गई। केजरीवाल को यही लगता है कि ढोंग इस देश में बहुत आसानी से चलता है और वही बिकता है। तब देखिए इतनी बड़ी शादी में जो करोड़ों खर्च हुए थे उसमें ये बौना आदमी जिसको 34 नंबर का शर्ट आना चाहिए 46 नंबर का शर्ट पहन करके वहां जाता है और अपने आप को आम आदमी दिखाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सही समय आ गया है इस देश की जनता जाने ऐसे ऐसे ढोंगियों को कि इसके ढोंग से वो कैसे ठगे गए हैं। अभी हाल में तीन बातें हुई हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर जब लाल किला से बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस देश में तीन लड़ाइयों को अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है, नंबर एक वंशवाद परिवारवाद, नंबर दो भ्रष्टाचार, नंबर तीन तुष्टीकरण। इसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का एक बयान आता है, कोई उनसे पूछता है कितने मार्क्स देंगे आप नरेंद्र मोदी को, उन्होंने कहा 10 में से 8, और इसलिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई आज तक किसी ने नहीं लड़ी। तीसरा बयान था सतपाल मलिक का। सतपाल मलिक ने कुछ महीने पहले कहा था कि मोदी जी 2024 से पहले अरविंद केजरीवाल को फिक्स कर देंगे, जेल भेज देंगे। ये तीनों बयान के आलोक में
जी, तो जी ये तीन बयान वैसे तो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि मुझे भ्रष्टाचार खत्म करना है, नवीन पटनायक भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, और सतपाल मलिक वैसे तो पाला खींच करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन बात तो वो भी वही कह रहे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनका नंबर आने वाला है। तो मैं जानना चाहता हूं इनका राजनीतिक अंत कब तक होगा, और कुल मिलाकर के जो इनकी ये पारी है ये कब तक चलेगी? देखिए, ये जो सत्यपाल मलिक है वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि वो अवसर उनको दिया नहीं जा रहा है। उनके लिए दुखद ये है कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनकी ठुकाई पिटाई हो जाए, उनके वो जो 250 किलो का वजन है उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाए, थोड़ी नौटंकी हो जाए, सुर्खियों में आ जाए, तो सत्ता तब जो है वो आप कोई पॉलिटिकल पार्टी उनका इस्तेमाल कर ले। लेकिन उन्हें ना जयंत चौधरी ने भाव दिया जाति होने के कारण, ना अखिलेश यादव ने भाव दिया तो उत्तर प्रदेश में उनको भाव नहीं मिला। उन्हें लगा कहीं राजस्थान में कांग्रेस भाव दे दे, वहां पर भी जो है उनकी जाति के लोग बहुत हैं तो वो सेट हो जाएगा। सत्यपाल मलिक रिजेक्टेड माल होने के कारण अब केजरी पर उन्होंने दाना डाला कि केजरीवाल को हम कह रहे कि गिरफ्तार होगा। उसे पता है गिरफ्तार तो ये आदमी होगा ही होगा, तो मैं कल को कह सकूं कि ऐसा हुआ, इसीलिए वो तुक्का मार रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा उपद्रव अयोध्या में हो जाएगा तो वो कैसा कह देगा कि हाँ भाई हमने जो कहा था वो हो गया। सबसे पहले तो इन लोगों का भी इलाज बहुत जरूरी है कि सत्यपाल मलिक जैसे लोगों का इलाज हो। लेकिन मोदी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो ठंडा करके खाते हैं, तो बहुत अहमियत यदि इन्हें देना होता तो उपद्रव तो ये बहुत दिनों से कर रहे थे। इन्हें भाव नहीं दिया जा रहा कि कई बार क्या होता है कि आप इग्नोर करके किसी चीज को खत्म कर सकते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग इग्नोरिंग से ही खत्म हो सकते हैं। जहां तक बात नवीन पटनायक जी की है तो उनकी छवि कुछ दूसरे किस्म की, और मुझे लगता है राजनीति ऐसे ही की जानी चाहिए। नवीन पटनायक इंडिया जो एनडीए टीम से बाहर हैं, एनडीए में नहीं है, यूपीए में भी नहीं है, तो कायदे से यदि उड़ीसा के लिए कहा जाए तो उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी तो अब बीजेपी ही है, तो उन्हें बीजेपी के खिलाफ ही बयान देना चाहिए। लेकिन उन्हें स्ट्रेटजी पता है कि इस देश की जनता नरेंद्र मोदी में आस्था रखती है, और इसीलिए उन्हें उड़ीसा के लिए काम करना है। तो एक गरीब प्रदेश को जहां से उठा करके ले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो मिसाल है पूरे देश में कि कैसे पॉलिटिक्स की जानी चाहिए, विरोध के बाद भी कैसे पॉलिटिक्स की जानी चाहिए। उड़ीसा में वो पूरा विरोध बीजेपी का करके सत्ता हासिल किए हुए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इस देश के लिए या फिर अपने राज्य के लिए कैसे चला जा सकता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी यदि कम से कम नवीन पटनायक जी के स्टाइल में काम करे, कोई उड़ीसा बहुत संपन्न स्टेट तो है नहीं महाराष्ट्र पंजाब की तरह, लेकिन उस उड़ीसा को कम से कम बिहार की तरह बदहाल होने से नवीन जी ने बचाया हुआ है। तो मुझे लगता है ये बयान उनका बताता है कि राजनीति की आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए, ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल समेत दूसरे नेताओं को क्या सीखना चाहिए उनसे। धर्मेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। कूल ड्यूड, आपका भी बहुत धन्यवाद। और चलते चलते मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये इंडी अलायंस में कब तक रहेंगे, कब तक इंडी अलायंस में, बल्कि इनके जैसे तो वहाँ बहुत हैं, कोई अकेले तो ये हैं नहीं, और इंडी अलायंस का भी अंत क्या होने वाला है? दिसंबर तक बिखर जाएगा या उससे पहले ही काम हो जाएगा? देखिए, अंत बचाने की कोशिश तो ये लोग बहुत हद तक करेंगे, लेकिन केजरीवाल बहुत बड़ा सौदा कांग्रेस से करने के मूड में है कि भाई तुम दिल्ली और पंजाब में मुंह मत मारने आना। तो जो दिल्ली और पंजाब जहां से कांग्रेस का वजूद है वहीं से केजरीवाल खत्म करना चाहेंगे कि इसी शर्त पे हम तुम्हें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तंग नहीं करेंगे, और कर्नाटक में उन्होंने तंग करके डरा करके दिखा दिया है। इसीलिए मुझे कहीं से भी केजरीवाल का इस अलायंस में बने रहना मुझे कतई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एनडी अलायंस में होने से केजरीवाल को रत्ती भर फायदा नहीं है। केजरीवाल इस बात को बेहतर जानते हैं, क्योंकि पंजाब में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है। अब एनडी अलायंस की स्थिति ये है कि अखिलेश यादव ने तो परसों कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश में बॉस हूं, 65 सीट तो मैं चुनाव लड़ूंगा, बाकी के 15 में मैं तय करूंगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में यदि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं बॉस हूं तो ये एनडीए अलायंस कहां तक चलेगा। लालू यादव जो असली खेल खेल रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, वो मांस बना करके, बकरे का मीट बना करके राहुल गांधी को सिखा करके, वो वहां भी पता चल रहा है कि नीतीश को नाथने के लिए लालू यादव कांग्रेस के साथ क्या खेल खेल रहे हैं। तो ये लोग अभी अपने में खेल खेल रहे हैं,
तो ये मोदी के साथ क्या खेलेंगे, ये खुद ही खेल करके अपने आपस में नष्ट होने की तैयार, और पब्लिक मुझे लगता है सब कुछ देख रही है सर। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने OCN नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण। बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, दर्शकों को भी। नमस्कार।